Hey guys, I'm Sara. Welcome back to my channel. I hope you all are safe and your family and loved ones are safe as well. See, there are so many people who wants to become crew and why? Because उन्हें लगता है कि cabin crew बनने से उनको अच्छी अच्छी जगह घूमने को मिलेगा, नई नई cities explore करने को मिलेगा, अच्छे अच्छे hotels में layover मिलेगा. प्लस उन्हें करना क्या होगा, बस दो राउंड सर्विस के, बिकॉज वही हमें दिखता है कि क्रू का सिर्फ इतना सा ही काम होता है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इन रियलिटी इट्स टोटली डिफरेंट, बिकॉज कोई भी कंपनी सिर्फ सर्विस करने के लिए आपको 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं देगी. सो चलिए, इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ कैबिन क्रू. कैबिन क्रू का एक्चुअल काम होता क्या है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So there are 3 main roles and responsibilities of cabin crew. First is to ensure the safety of passengers, second is to ensure the comfort of passengers, and last is customer service. So first we are going to talk about safety of passengers, which is the most important and key role of cabin crew and जिसके लिए actual में cabin crew को hire किया जाता है. So for example, आप लोग बस से travel कर रहे हैं and suddenly बस में आग लग जाती है, then what would you do? सबको पता होता है कि वेयर इज फायर एक्सटिंग्विशर इन बस. सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उस समय आग को बुझाने की कोशिश करें, या फिर कुछ लोग फायर एक्सटिंग्विशर वालों को कॉल करेंगे, बहुत सारे लोग बस से जंप करने का ट्राई करेंगे. बट एटलीस्ट यू गाइज नो वॉट टू डू एंड हाउ टू सेव योर सेल्फ. बट वॉट इफ सेम सिचुएशन हैपन्स इन फ्लाइट? नो बडी नोज वॉट टू डू, हाउ टू सेव देम सेल्फ एंड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. एंड आई गारंटी यू नो बडी नोज वेयर इज फायर एक्सटिंग्विशर इन फ्लाइट. सो पूरा एक केओस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. एंड इसके अलावा भी आप लोग किसी को कॉल नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क, एंड फायर एक्सटिंग्विशर वाले भी नीचे से ऊपर तो आग बुझाने से रहे. सो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सिचुएशन बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लाइक बॉम्ब थ्रेट सिचुएशन, हाईजैक सिचुएशन. कभी कभी होता है कि मे बी इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, देन हाउ टू सेफली लैंड द एयरक्राफ्ट, इसके लिए कैबिन क्रू को ट्रेन किया जाता है. एंड ऐसी जब कोई सिचुएशन होती है देन नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता कि एयरक्राफ्ट का डोर कैसे ओपन होता है बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू ऑपरेट. ये नॉर्मल कोई बस की गेट की तरह या ट्रेन की गेट की तरह इसको ऑपरेट करना लाइक पॉसिबल नहीं है. एंड दिन में इतने सारे लोग आते हैं एंड सबको बताना और ट्रेन करना कि कैसे इसको ओपन करना है, कैसे बंद करना है, इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए भी कैबिन क्रू को लाइक ट्रेन किया जाता है. और इसके अलावा जो है मेडिकल सिचुएशंस भी होती हैं ऑन बोर्ड, तो उनको कैसे हैंडल करना है उसके लिए भी कैबिन क्रू को प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है. मैं ये तो नहीं बोल रही कि पूरा डॉक्टर बना दिया जाता है, बट एटलीस्ट इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो उस समय जो भी पेशेंट की हालत है उसको थोड़ा स्टेबल करते, थोड़ा हैंडल कर ले. बिकॉज जो एयरक्राफ्ट है वो 5-10 मिनट में लैंड नहीं होता, उसको लैंड होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो जो भी पैसेंजर है या फिर जो भी पेशेंट है उसकी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है. तो इतना लाइक ट्रेन कर दिया जाता है कैबिन क्रू को कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर ले. तो ये थी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन. इसके अलावा भी बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसके लिए कैबिन क्रू को मेनली हायर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है. और यही बेसिक और मेन काम है कैबिन क्रू का, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही सेकेंडरी काम है कैबिन क्रू की. तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सो जो सबसे पहला काम था कैबिन क्रू का वो था पैसेंजर्स की सेफ्टी पर ध्यान देना. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू इंश्योर द कम्फर्ट ऑफ पैसेंजर्स. पैसेंजर्स की कम्फर्ट पर ध्यान देना. इट इंक्लूड्स ग्रीटिंग ऑफ पैसेंजर्स, प्रोवाइड एक्स्ट्रा अटेंशन टू डिसेबल्ड पर्सन, प्रेग्नेंट लेडी और एल्डरली पर्सन, प्लस टू शो द पैसेंजर सीट बिकॉज दे आर सो मेनी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हु डोंट नो कि उनकी सीट कहाँ होती है. बेसिकली इफ़ यू आर वर्किंग इन फुल सर्विस एयरलाइन, तो आपने देखा होगा कि कैबिन क्रू पैसेंजर्स को पिलो देते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं. तो बेसिकली उनके पूरे कम्फर्ट का ध्यान रखते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड ओवरऑल इफ उनको कुछ चाहिए होता है, उनको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनका ध्यान रखना सो दैट उनकी जो जर्नी है पूरी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उनको उनकी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. लास्ट पॉइंट इज सर्विस. अभी होता क्या है कि डेली तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऑन बोर्ड होती नहीं है, तो क्रू का थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए ये जो सर्विस का काम है वो क्रू के लिए शुरू हुआ.
इसमें होता क्या है बेसिकली कि कुछ लोग जो है वो पहले से ही अपना खाना बुक करके रखते हैं, तो हमें वो देना होता है। अदरवाइज जो है हम एक कार्ट लेके जाते हैं एंड वी आस्क फ्रॉम द पैसेंजर इफ दे वॉन्ट टू बाय एनीथिंग। एंड आपको पता है नॉर्मल थिंग्स होती है, चाय, कॉफी, स्नैक्स और मील्स। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू परचेज एनीथिंग दे कैन परचेज फ्रॉम देयर। बस सर्विस में ज्यादा नहीं होता, इतना ही होता है। बट जो मेन काम होता है कैबिन क्रू का वो सेफ्टी का ही होता है। ये जो कंफर्ट और सर्विस है वो तो सेकेंडरी काम है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ टर्बुलेंस हो रहा है और हम किसी ने हमसे चाय मांगी, और टर्बुलेंस भी एक सेफ्टी का ही पार्ट है। तो ऐसे नहीं है कि हम सेफ्टी को नेग्लेक्ट करके हम उस इंसान को चाय सर्व करें, हम अपनी सर्विस करें। सो सेफ्टी इज आर प्रायोरिटी, दिस सर्विस एंड कम्फर्ट आर द सेकेंडरी थिंग्स। सो दीज आर द थ्री मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैबिन क्रू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू इट देन प्लीज कॉमेंट बिलो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। And yes, if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe my channel and also hit the bell icon so that you get all the notifications of my videos. I'll see you in my next video. Till then, bye-bye, take care.